तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ हॉस्पिटल। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। और आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा पंचकर्म ओपीडी का एरिया, साथ ही साथ आईपीडी के पेशेंट्स और उनके ऊपर क्या क्या पंचकर्म प्रोसीजर चल रहे हैं वो भी दिखाऊंगा आपको। सो इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो, काफ़ी मजा आने वाला है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस अभी मैं आ गया हूँ हॉस्पिटल और अभी मुझे जाना है पंचकर्म डिपार्टमेंट जो कि फर्स्ट फ्लोर पर है और आज डॉक्टर राजा सिंगला की ओपीडी है और बस लेट ना हो जाए, चलते हैं जल्दी। गाइस अभी ओपीडी चलने से पहले चलेंगे आईपीडी के अंदर, वहाँ पेशेंट से बात करेंगे और उनके जो प्रोसीजर चल रहे हैं वो देखेंगे। तो चलिए मेरे साथ। आईपीडी के बाद आपको दिखाता हूँ एक पेशेंट वेरिकोज वेन का और 18 साल से उसको वेरिकोज वेन है, उसको हम लीच थेरेपी से मैनेज कर रहे हैं। आइए मेरे साथ। गाइस आईपीडी के बाद मैं आ गया हूँ अभी ओपीडी में और मेरे सामने है डॉक्टर्स रूम और पेशेंट सामने खड़े हैं। तो अगर नंबर ऑफ पेशेंट्स की बात करें तो यहाँ पर डे 150 के आसपास पेशेंट रहते हैं, जिनमें अगर पर पेशेंट टाइम देखा जाए तो 2 मिनट का टाइम मिलता है और उसमें भी हमें हिस्ट्री टेकिंग, एग्जामिनेशन, डिफरेंशियल डायग्नोज और उसके बाद मेडिसिन लिखना, तो बहुत कम टाइम मिल पाता है।
तो इसी दौरान जो हमारे पास पेशेंट आते हैं वो मोस्ट ऑफ मस्कुलोस्केलेटन डिसऑर्डर्स के रहते हैं, और जिनमें मेजोरिटी ऑफ पेशेंट जो हैं वो या तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस या लंबर स्पॉन्डिलोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर लाइक रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जोग्रेन सिंड्रोम्स, इवन एवैस्कुलर नेक्रोसिस के केस भी यहाँ पर आते हैं, और स्किन डिसऑर्डर लाइक सोरेसिस, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, ये सब पेशेंट्स आते हैं और जिनको हम या तो मेडिसिन से या फिर हम पंचकर्म थेरेपी से मैनेज करते हैं। पंचकर्म थेरेपी के लिए उनको IPDs में हम एडमिट कराते हैं और वहाँ पर प्रोसीजर्स कराए जाते हैं और साथ साथ मेडिसिन रहती है। सो गाइस, आज का दिन यहीं पर ख़त्म हो रहा है। पेशेंट्स जा चुके हैं और आज की वीडियो अच्छी रही, तो 150 के आसपास हमने पेशेंट्स देखे और चलते हैं सीधा हॉस्टल की तरफ अपना सामान लेके, और फिर मिलते हैं एक और वीडियो में किसी और OPD में।